Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Cooperative Enterprises. यानी कि आज के लेक्चर में हम फोर्थ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोऑपरेटिव एंटरप्राइज के बारे में डिस्कशन करेंगे. क्या मतलब होता है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस का? A cooperative organization is a voluntary association in which persons of limited means associate together on the basis of equality, not with a view to earn profits, but to provide mutual assistance and service while promoting their common business and economic ends in a democratic way. तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है कोऑपरेशन करना. जब हम एक स्मॉल पर्सन की बात करते हैं, यानी कि उस पर्सन की बात करते हैं जिसके पास स्मॉल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, तो वो उन स्मॉल रिसोर्सेज के बेसिस पर अपनी नीड को कंप्लीट नहीं कर पाता है. तो होता क्या है कि इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश किया गया है. तो यहाँ क्या होता है कि जो पर्सन है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है और वो अगर किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को रन करना चाहते हैं या फिर अपनी नीड्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, जितने भी ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके पास लिमिटेड मीन्स अवेलेबल होते हैं, वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन के बेसिस पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करते हैं. और यहाँ क्या होता है, इक्वलिटी का बेस होता है, यानी कि हर पर्सन इक्वल होता है, ना ही कोई बड़ा होता है ना ही कोई छोटा होता है. ऐसा नहीं कि जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो बड़ा हो गया, जिसके पास रिसोर्सेज कम है वो कम हो गया, वो उसके पास उसकी शेयर होल्डिंग कम हो गई, जैसा कि कंपनी के केस में होता है. लेकिन कोऑपरेटिव एंटरप्राइज के केस में हर कोई इक्वल बेसिस पर कंट्रीब्यूशन करता है और हर किसी को इक्वल बेसिस पर ट्रीट भी किया जाता है. और जो इनका पर्पज होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट असिस्टेंस और सर्विस प्रोवाइड करना, ये इन एंटरप्राइजेस का मेन पर्पज होता है. और इस पर्पज के साथ साथ ये क्या करते हैं, अपने जो कॉमन बिजनेस हैं उसको भी प्रमोट करते हैं और जो भी इकोनॉमिक एंड्स हैं इनको भी प्रमोट करते हैं, वो भी डेमोक्रेटिक पैटर्न के बेसिस पर. तो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था होती है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस में, और इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था के बेसिस पर क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है, इकोनॉमिक एंड्स जो होते हैं उनको अचीव किया जाता है, और जितने भी पर्सन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, उनके प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और एक इक्वलिटी का बेस रहता है. तो हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो रहा है? कुछ डेफिनेशंस हैं इसकी. द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू सी एफ स्ट्रिक्टलैंड, इनके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड बाय ऑनेस्ट मीन्स. इट इज ऑल्सो एसेंशियल इन मैनी फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन दैट द इंडिविजुअल पजेस अ पर्सनल नॉलेज ऑफ वन अनदर. यानी कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये एक तरीके से उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है जो अपने इकोनॉमिक एंड को ऑनेस्ट वे में अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग इसका पॉइंट नहीं है, इसका पॉइंट है सर्विस मोटिव. और इसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइप की कॉपरेशन की फॉर्म्स हैं उसमें ये जरूरी है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक दूसरे के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है. यानी कि जब पर्सनल बेसिस पर वो लोग एक दूसरे को जानते होंगे तो उसके बेसिस पर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बेसिस पर कॉमन सर्विस को फुलफिल करना भी आसान हो जाता है. तो ये कहना था सी एफ स्ट्रिक्टलैंड का. सेकेंड डेफिनेशन वॉज गिवन बाय द हेनरी कैलवर्ट. तो हेनरी कैलवर्ट के अकॉर्डिंग क्या मतलब होता है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस का, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द पर्सन्स वॉलंटरली एसोसिएट टूगेदर एज ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ. यानी कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के बेसिस पर और इक्वलिटी के बेसिस पर जब ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ में वॉलंटरी बेसिस पर एसोसिएट होते हैं, और इसके बेसिस पर जिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, उसको कोऑपरेटिव एंटरप्राइज का नाम दिया गया है. नेक्स्ट डेफिनेशन वॉज गिवन बाय द सर एम एल डार्लिंग. तो एम एल डार्लिंग के अकॉर्डिंग
क्या मतलब है कोऑपरेटिव एंटरप्राइज का? इट इज समथिंग मोर देन अ सिस्टम, इट इज अ स्पिरिट विच अपील्स टू द हार्ट एंड द माइंड, इट इज अ रिलीजन अप्लाइड टू बिजनेस, इट इज अ गॉस्पेल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड सर्विस। तो इन्होंने कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को सिस्टम से ऊपर बताया। बोले ये कोई एक सिस्टम नहीं है, ये कोई एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एक वो स्पिरिट है जो लोगों के हार्ट और उनके माइंड को अपील करती है। ये एक तरीके से बिजनेस के लिए उसके रिलीजियन के बराबर है। जिस तरह से लोग अपने रिलीजियन को पूछते हैं, ऐसे ही ये कोऑपरेटिव एंटरप्राइज भी पूजनीय होती है। सेल्फ सफिशिएंसी और सर्विस को कंप्लीट करने का ये एक माध्यम होती है। यानी कि जो पर्सन अपनी नीड्स को प्रॉपरली सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, तो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के बेसिस पर वो अपनी नीड्स को प्रॉपर वे में फुलफिल करने की पोजीशन में जाते हैं। ये कहना था सर एमएल डार्लिंग का अबाउट द कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। ऐसे एक और डेफिनेशन है यहाँ पर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वीएल मेहता। वीएल मेहता ने क्या कहा? कोऑपरेशन इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ वास्ट मूवमेंट विच प्रमोट्स वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स हु कंबाइन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक एंड्स। यानी कि अपने कॉमन इकोनॉमिक एंड्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं वो वॉलंटरी बेसिस पर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं, जिनके पास कॉमन नीड्स अवेलेबल होती हैं। तो हम इस टाइप के वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को कोऑपरेशन का नाम देते हैं। ये एक तरीके का क्या है, वास्ट मूवमेंट है, जिसमें उन पर्टिकुलर पर्सन्स को ऐड किया जाता है जिनकी नीड्स कॉमन होती हैं, और उन नीड्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट टाइप की अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को रन करते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस का नाम देते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। नाउ वी कम टू द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। क्या क्या है इसके बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक फीचर्स क्या क्या है इसके? द वेरी फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज इज वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। सबसे खास बात क्या होती है कि जो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस हैं, ये एक तरीके से जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी जो पर्सन्स इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, उनके वॉलंटरी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो आना चाहे वो आ सकते हैं और जो ना आना चाहे वो नहीं आ सकते हैं। तो जब सारे पर्सन्स एक साथ रेडी होते हैं और वॉलंटरी बेसिस पर वो एसोसिएट होना चाहते हैं, तो उस वॉलंटरी एसोसिएशन के बेसिस पर ही कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश किया जाता है। और यहाँ ओपन मेंबरशिप होती है। ओपन मेंबरशिप का मतलब होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये लग रहा है कि जो कोऑपरेटिव एंटरप्राइज का मिशन है, विजन है, और जो नीड उसकी बेसिस पर फुलफिल की जा रही है, अगर वही उसकी नीड है, तो वो उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को प्रॉपरली ज्वाइन कर सकता है। ओपन मेंबरशिप है। ओके, सेकेंड वन, इक्वल वोटिंग राइट्स। सबसे खास बात यह है कि जैसे कंपनी होती है, कंपनी के अंदर जिसके पास शेयर होल्डिंग कंपनी की ज़्यादा होती है उसका वर्चस्व ज़्यादा होता है, और जिसके पास शेयर होल्डिंग कम होती है कंपनी की उसका वर्चस्व कम होता है। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव एंटरप्राइज की बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव एंटरप्राइज के केसेस में ऐसा नहीं होता है। हर किसी के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, हर किसी को इक्वल बेसिस पर ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, ईच एंड एवरी पर्सन is treated at equal level। कोई भी inequality यहाँ पर नहीं होती है किसी भी member के साथ में, ना तो कोई majority चलती है और ना ही कोई minority चलती है। Each and every member is equal in its rights, in its duties। Rights के साथ साथ duties में भी उसको follow होना होता है। तो हर तरीके से equal voting right के concept को follow करके cooperative enterprises अपने particular business को run करते हैं। Next one is the democratic management। यहाँ भी क्या है, यहाँ एक democratic व्यवस्था बनाई गई है। यानी कि बिजनेस की एक्टिविटीज को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए एक डेमोक्रेटिक पैटर्न को सेट किया गया है, और उस डेमोक्रेटिक पैटर्न को फॉलो करते हुए ही बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस में रन किया जाता है। जैसे कि कंपनी के केस में होता है, सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है, और वो डेमोक्रेसी फॉलो करते हुए बिजनेस अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को कंप्लीट करते हैं, और लोगों की जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप की नीड्स को भी इसके बेसिस पर कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द सर्विस मोटिव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कोऑपरेटिव एंटरप्राइज के साथ में जुड़ा हुआ, कि ये इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, बल्कि इनका मोटिव है अपने मेंबर्स को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्योंकि जिन पर्सन्स को या जिन मेंबर्स को इन्होंने ऐड किया है, जिनके जिनके एसोसिएशन के बेसिस पर कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश किया है,
उनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज में अवेलेबल होते हैं उनके पास, तो स्मॉल रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी की वजह से वो अपनी नीड्स को प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जितने भी ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास स्मॉल मीन्स हैं और वो अपनी नीड को कंप्लीट करना चाहते हैं और उनकी नीड्स कॉमन हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो क्या करते हैं कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करते हैं। पॉइंट क्या है उनका, जिससे कि रिसोर्सेज को एक लार्ज स्केल पर कलेक्ट किया जा सके और उसके बेसिस पर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी नीड को प्रॉपरली सेटिस्फाइड किया जा सके। तो इसी वजह से जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव एंटरप्राइज के पर्पस की, उसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसका ऑब्जेक्टिव है अपने मेंबर्स को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना, न कि प्रॉफिट को अर्न करना। फाइन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज कैपिटल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। सबसे बड़ी बात क्या है कि ना कैपिटल और उसके साथ साथ इंटरेस्ट को भी यहाँ फॉलो किया जाता है, यानी कि अगर कोई मेंबर है वो अपनी कैपिटल को प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट करता है तो उसके रेफरेंस में अगर उसका कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होता है तो कोऑपरेटिव एंटरप्राइज उसको प्रॉपर वे में उसका इंटरेस्ट भी पे करते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि जितने भी पर्सन हैं अगर वो अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर जो कंप्लीट बिजनेस एक्टिविटीज रन की जा रही हैं उनसे जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी पर्टिकुलर रेवेन्यूज जनरेट होते हैं उनका यूज उन पर्टिकुलर पर्सन के नीड या उनके इंटरेस्ट को कंप्लीट करने में फॉलो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जितना भी सरप्लस अमाउंट कलेक्ट होता है, सरप्लस का मतलब बिजनेस एक्टिविटीज को रन किया गया, जो भी पर्सन से उन्होंने जिनके पास स्मॉल मीन्स अवेलेबल है उन्होंने अपने मीन्स को कलेक्ट करके रिसोर्सेज को लार्ज क्वांटिटी में सेट कर लिया। अब जब एनफ क्वांटिटी में रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल हो जाते हैं इसके बाद अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को रन करते हैं और उन बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के बाद जो भी सरप्लस अमाउंट इनके पास अवेलेबल होती है उसको तुरंत डिस्पोज कर दिया जाता है, यानी कि उस पर्टिकुलर अमाउंट सरप्लस अमाउंट के बेसिस पर जो डिफरेंट नीड्स हैं मेंबर्स की उनको प्रॉपरली कंप्लीट किया जाता है। तो इस तरह से सरप्लस को डिस्पोज करने की व्यवस्था करी जाती है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के अंदर। नेक्स्ट वन इज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। सबसे खास बात क्या है कि पॉलिटिकल बेसिस पर ये न्यूट्रल्स होते हैं और रिलीजियस बेसिस पर भी न्यूट्रल होते हैं, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेयर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज में नहीं हो सकता और उसके साथ साथ ये रिलीजियस इंटरफेयर से भी न्यूट्रल होते हैं। किसी भी रिलीजियन का कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्यों ना हो, हर किसी के लिए ये कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस ओपन होते हैं। मान लीजिए कि आई डोनेशन कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को ओपन किया गया है या ब्लड डोनेशन कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश किया गया है, तो इसका पर्पस क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर मेंबर्स इससे कनेक्टेड होंगे ठीक है उनके लिए प्रॉपर जब भी ब्लड की रिक्वायरमेंट हो उसको कंप्लीट करना। तो चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो उसको वो पर्टिकुलर व्यवस्था या पर्टिकुलर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इसी वजह से रिलीजियस बेसिस पर ये न्यूट्रल होते हैं और कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि जो मेंबर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है और सबसे पहले उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। इसी वजह से पॉलिटिकल और रिलीजियस बेसिस पर ये न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट वन इज द कैश ट्रेडिंग। इनकी ट्रेडिंग किस में होती है, कैश में होती है प्रॉपरली। जितने भी इसके अंदर अगर गुड्स को परचेज और सेल करने की व्यवस्था है और उसके बेसिस पर बिजनेस एक्टिविटीज को रन किया जा रहा है तो इसको कैश बेसिस पर फॉलो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है यहाँ पर कि जो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज है यहाँ पर्टिकुलर पर्सन को बिजनेस के बारे में प्रॉपर एजुकेशन भी अवेलेबल कराई जाती है, यानी कि अगर कुछ पर्सन अनएजुकेटेड भी है तो भी उनको एजुकेट करने के लिए उनको प्रॉपरली ट्रेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई जाती है बाय द कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, जिससे कि वो प्रॉपर एजुकेशन को गेन कर सके। एंड द लास्ट वन इज द स्टेट कंट्रोल एंड कोऑपरेटिव स्टेटस। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टेट जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म कर रखा है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के रिलेशन में, उनके कंट्रोल में ये कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस वर्कआउट करती है, उनके द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये फॉलो करती हैं और इनका जो स्टेटस है वो कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन के बराबर होता है। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने पढ़ा है कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज वर्कआउट करती हैं, इसी तरीके से कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस को भी एक कॉर्पोरेट स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। थैंक यू।